Hey, what's up everybody? This is Dheeraj here and welcome back to Revhead. So आज की वीडियो है कि मेरे कैमरा बैग में क्या क्या रहता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहता था और आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते थे कि आप कौन कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा DSLR यूज़ करते हो और कौन सा GoPro यूज़ करते हो। सो ये वीडियो मेरे इक्विपमेंट्स के बारे में है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहते हैं। एंड वन थिंग, मेरे नाक के बीचों बीच पिंपल हुआ है, बट वीडियो तो बनानी थी तो क्या कर सकते हैं, सो इग्नोर दैट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मेरा ये कैमरा बैग है अमेज़ॉन बेसिक की तरफ से। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। बुरी बात इसमें एक ये है कि इसमें लैपटॉप नहीं आता है। दूसरी बुरी बात इसमें इसके साथ रेन कवर नहीं मिलता है आपको। और वन मोर थिंग, जो इनकी जो पॉकेट्स होती हैं, चैनल पॉकेट्स होती हैं, वो ब्लैक कलर में है, क्योंकि आपकी जो मोस्ट ऑफ कैमरा एसेसरीज रहती हैं वो ब्लैक कलर में रहती है। सो इस वजह से कई बार ब्लैक पे ब्लैक मिलता नहीं है ढंग से। अगर ये कोई ब्राइट कलर में होता तो और अच्छा होता, जैसे कि लोप्रो के बैग रहते हैं। और अंदर से कुछ ऐसा है बैग। और कैमरा बैग की सबसे बुरी बात, पहली बात, कैमरा बैग की तरह नहीं लगना चाहिए, वो एक रेगुलर बैग की तरह लगना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो बैग मेकर से ही है कि जो कोई भी कैमरा बैग बनाते हैं वो रेगुलर बैग की तरह बनाएं और इसमें लैपटॉप भी आ सके, और ताकि हम जैसे लोग कहीं काम पे ले जा सकें, ऑफिस ले जा सके या कॉलेज ले जा सके। तो चलिए बात करते हैं कि कैमरा बैग के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आ जाती है हमारी कैमरा बॉडी, जो है निकॉन D5300 और इस पर लगा हुआ इस टाइम 18-55। और ये जो कैमरा है ये मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये माइक्रोफोन सपोर्ट करता है एंड ये फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है। इट्स अ बीस्ट। और मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें DSLR यूज़ किया गया है उसमें यही कैमरा यूज़ किया गया है। और ये कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। और ये कैमरा आपके फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है। लाइक अगर आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे फ़ोटो लेते हो, तो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वही फ़ोटो उसी टाइम डाउनलोड कर सकते हो, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। और इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको ये ग्रिप देख रहे हो, ये बहुत सही ग्रिप प्रोवाइड करता है आपको। प्रीटी गुड कैमरा। एंड अब बात करते हैं इसके लेंस के बारे में। मैं यूज़ करता हूँ इसके साथ 50mm का लेंस, जो है 1.8, प्रीटी गुड लेंस। आप मेरी इंस्टाग्राम पे इसके सैंपल देख सकते हो, और मेरी यूट्यूब वीडियोस में मोस्टली यही वाला लेंस मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं माइक के बारे में। सो ये माइक है बोया की तरफ से। इसके साथ आपको ये डेड कैट फ्री मिलती है, जो इसको विंड नॉइज से बचाती है। ये आपके DSLR को भी सपोर्ट करता है और आपके स्मार्टफोन को भी सपोर्ट करता है। और DSLR के लिए आपके पास ये केबल रहेगी, और स्मार्टफोन पर यूज़ करने के लिए आपको डिफरेंट केबल मिलेगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगती है। और इसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू रोड की जितनी अच्छी तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं एक्शन कैमराज के बारे में। सो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास ये GoPro Hero 5 Black, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स वाटरप्रूफ है एंड इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। और ये मेरे पास इसकी 2 एक्स्ट्रा बैटरीज़ हैं और ये उसका चार्जर। एंड इसकी एक बुरी बात यह है कि ये डायरेक्ट माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं करता है। और माइक्रोफोन अटैच करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एडाप्टर लेना पड़ता है, जो आई थिंक 4,000 से 5,000 के बीच में आता है। एंड मेरे पास अभी तक वो नहीं है। बाय द वे क्वालिटी इसकी बहुत सही है। तो अब आ जाती है इसकी केसिंग। ये स्केलेटन केसिंग है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और इसके ऊपर माइक लगाने के लिए भी यहाँ पे माउंट्स दिए गए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे ND फ़िल्टर लगा सकते हो, बट इसकी दिक्कत ये है कि इन दोनों को हेलमेट पे लगाने पे हेलमेट का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके नेक पे दर्द होता है। तो ये रही इसकी बात। एंड ये निकॉन के कैमरा की एक एक्स्ट्रा बैटरी एंड ये निकॉन का चार्जर। और यहाँ पे आ जाता है मेरे पास 15-45 कैनन लेंस। और अभी ये वीडियो आप देख रहे हो ये कैनन M50 से है। एंड कैनन M50 जो मैंने अभी परचेज़ किया है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैमरा के बारे में, Xiaomi Yi। ये कैमरा आई थिंक 3 से 4 साल पुराना है, जो बहुत सही कैमरा है, एक बीस्ट कैमरा है। और इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है। GoPro जितनी तो नहीं है, बट फिर भी यूजेबल है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, वो सारी इसी कैमरा से बनी हुई है। और बट इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लाइक इसमें स्क्रीन नहीं है। पर्सनली मैंने सोचा कि एक्शन कैमरा में स्क्रीन की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो एरिया ये कवर करता है वो काफ़ी वाइड होता है, तो आपको यू नो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस कैमरा की एक और डिसएडवांटेज ये है कि एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है, बट इसका जो ऑनबोर्ड माइक है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जो मेरी वीडियोस रहती है उसमें ऑडियो इसके ऑनबोर्ड माइक से ही आती है। तो इस वजह से कई बार वीडियोस में जो विंड नॉइज़ है वो ज़्यादा रहता है। एंड आई थिंक अभी अमेज़ॉन पे ये काफ़ी चीप चल रहा है, 4000 के आसपास। इसकी कैमरा क्वालिटी को देख के 4000 में तो ये कैमरा टोटल स्टील है गाइस। मेरे को ये उस टाइम पे पड़ा था आई थिंक 6500 के आसपास। तो जब आप अगर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर सोच रहे हो स्टार्टिंग करने का, तो आपको इन द बिगिनिंग कोई बड़ा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप 30,000 स्पेंड करके GoPro ले रहे हो। पहले एक छोटा कैमरा ले लें, चीप कैमरा ले लें, उससे वीडियो बनाने के बाद आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो उसके बाद अपना जो गियर्स हैं उनको भी अपग्रेड करें। और उसके बाद आता है ये कैनन की बैटरी जो कैनन M50 की है, और कैनन का चार्जर, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे कुछ डाटा केबल्स रहती हैं इस साइड पे जो चार्जिंग के लिए यूज़ होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक मार्कर जो कि बैटरीज पे सीरियल नंबर डालने का काम आता है, इससे आपको पता चलता है कि हाँ 1 नंबर बैटरी चार्ज है या 2 नंबर बैटरी डिस्चार्ज है। नाइस। तो ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो देख रहे हो आप निकॉन D5300 से, और अभी मेरे हाथ में है कैनन M50 जो कि मैंने हाल ही में परचेज़ किया है, और इस पर लगा हुआ है इस टाइम 50mm का कैनन लेंस 1.8, ये EFS लेंस है, और इसको माउंट किया गया इस एडाप्टर पे। सो ये जो EFS लेंस है ये डायरेक्टली कैनन M50 पे नहीं लगते हैं। कैनन M50 में या मिररलेस सीरीज़ में इनको लगाने के लिए एक एडाप्टर यूज़ करना पड़ता है, यह है वो एडाप्टर। इस एडाप्टर से आप कैनन M50 पे EFS लेंस और EF लेंस यूज़ कर सकते हो। यह है इसके साथ का 15-45 EFM लेंस जो कि मिररलेस के लिए बना हुआ है। ये काफ़ी लाइट वेट है, और मिररलेस की अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, लाइक आपकी जैकेट की पॉकेट में आ जाएगा ईजीली, और इतनी सी बॉडी होती है, देख रहे हो आप, लाइक ईजीली आपके जैकेट में फिट हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैं किसी इवेंट पे जा रहा होता हूँ और वहाँ पे मैं अपना जो पुराना बड़े वाला कैमरा था इसको ले जाने से ऐसे कतराता था कि यार इतना बड़ा कैमरा है कैसे लेके जाऊँ। तो अब ये है, ये जो आपके जैकेट में या छोटे से बैग में भी आ सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है इसकी। और दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें फ्लिप स्क्रीन भी है, और ये कोई फुली टच स्क्रीन है, और आप इससे टच से भी अपने फोकस सेट कर सकते हो। और ये जो इसका व्यू फाइंडर है इधर, और इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस के टाइम पे। जो ये रेगुलर वाले DSLR रहते हैं उनमें आप व्यू फाइंडर में वीडियोस नहीं देख सकते हो, बट मिररलेस कैमरा के व्यू फाइंडर में आप वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो व्यू फाइंडर रहता है वो इलेक्ट्रिकली चलता है, और इसकी जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिक पॉपअप नहीं होती है, वो मैनुअली आपको पॉपअप करनी पड़ती है। छोटी सी फ्लैश है यहाँ पर, फ्लैश मैं यूजुअली यूज़ नहीं करता हूँ, और जो फ्लैश से आए होते हैं फ़ोटो वो मेरे को अच्छे भी नहीं लगते हैं। एंड स्टिल्स के मामले में जो मेरा निकॉन D5300 है वो बेटर फोटोज़ खींचता है, बट वीडियोज़ के मामले में ये ज़्यादा बेटर है। इसकी जो ऑनबोर्ड माइक है वो ज़्यादा अच्छा है इस निकॉन D5300 से, और इसके जो कलर साइंस है, जो कैनन का कलर साइंस है वो बहुत सही है, और इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है, जो ड्यूल ऑटो फोकस सिस्टम है, जो कि टॉप क्लास का ऑटो फोकस सिस्टम है, वो भी बहुत सही है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है वीडियोस के मामले में। और ये शूट कर सकता है आपका 4K तक, 4K 24 FPS पे, बट 4K पे आपको लार्जर क्रॉप फैक्टर मिलेगा जिससे आपकी वीडियोस थोड़ी ज़्यादा जूम हो जाएगी, और लाइक आपको वो वाइड वाला फील नहीं आएगा। जब आप इस कैमरा से 4K या स्लो मोशन में रिकॉर्ड करते हो तो इसका जो ड्यूल पिक्सल सिस्टम है, ऑटो फोकस सिस्टम है, वो शटअप हो जाता है। उस टाइम पे आपका एक्टिवेट होता है जो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड जो इसका ऑटो फोकस सिस्टम होता है वो उस टाइम एक्टिवेट हो जाता है। वो काइंड ऑफ इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो आपके फेस को ट्रैक करता रहता है, हंट करता रहता है कि कहाँ है आपका फेस, तो वो कभी आपके फेस पे फोकस करेगा तो कभी आपके बैकग्राउंड पे फोकस करेगा। तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है उसमें, क्योंकि ये आपको फुल HD में ड्यूल ऑटो फोकस सिस्टम दे रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस कैनन M50 की एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है, क्योंकि इसमें छोटी बैटरी यूज़ होती है। सो आपको कपल ऑफ बैटरीज रखनी पड़ेगी साथ में, और बस ये रही चीज़ें। और एंड में आ जाती है ये सेल्फी स्टिक जो कि काफ़ी स्टर्डी है, आपके DSLR का वेट झेल सकती है। अपनी जो मनाली वाली वीडियोस थी या जो कोई भी होली वाली वीडियोस, उसमें मैं ये सेल्फी स्टिक यूज़ करता हूँ, और ये काफ़ी सही सेल्फी स्टिक है। आई विल रिकमेंड दिस सेल्फी स्टिक। तो ये रहा चेस्ट माउंट गाइस, ये रहा हेड माउंट। इन पे GoPro माउंट करके जो POV वीडियो बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। मैंने अपनी होली की जो नई वीडियो थी उसमें भी यही वाले यूज़ करे थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें। तो ये थे गाइस कुछ इक्विपमेंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड मैं नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ धीरज रावत के नाम से, जिस पे हम कैमरा रिलेटेड स्टफ, बिहाइंड द सीन एंड ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो बनाया करूँगा, जिस पे हम कैमरा स्टफ के बारे में बातें कर सकते हैं कि हाउ टू अचीव दैट थिंग एंड हाउ टू अचीव दैट कलर एंड कैसे कैसे डिफरेंट स्टफ रहता है। So yeah, subscribe to their channel too. Link आपको description box में मिल जाएगा. And if you want to buy any of these things, link in the description box. आपको description box में link मिल जाएगा. So yeah, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Hit that like button if you enjoy this video. Bye. Peace.